ये कैसा लग रहा है कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना। ये हमें तलवार इस पर मिल रही थी इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया। इसकी हम आवाज़ सुनेंगे। ये देख सकते हो आप इसका ये शेर, मैंने इस शेर की लुक की वजह से लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। Hey kid, don't ever let them get. Good morning guys, क्या हाल चाल? तो मैं बिक्की डुगर बमाज आज फिर आपके लिए एक बड़ा मस्त सा ब्लॉग लेकर आया हूँ। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब, इसके अलावा कुछ नहीं मांग कर दो भाई। अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर से कर दे। तो आज का सीन कुछ आया, आज हम जा रहे हैं जम्मू, और जम्मू में आज करा रहे हैं हम बुल्लट। जैसे हमने पिछली वीडियो देखी होगी तो बुल्लट का हमने काम उधमपुर में कराया, नहीं मिला। अब जा रहे हैं हम जम्मू, जम्मू में कराएंगे काम, फुल टोटल पीस बनाएंगे हम बुल्लट का, और वहां पे जाके आप सीधा मिलते हैं आपको बुल्लट। Tell you what to do in life instead of everything you know. भाई अभी हम निकल रहे हैं, हमारे साथ आए हैं विजय भाई। विजय भाई हेलो बोल दो। हाय। तो अभी निकलते हैं हम जम्मू की तरफ, और ये रही अपनी बीस्ट। आज इसको हम नया वर्जन देंगे एंड निकलते हैं यहाँ से, मारते हैं इसको किक। भाई इसको दमदार बंदा ही चाहिए, नॉर्मल बंदा स्टार्ट भी नहीं कर सकता। तो भाई अभी निकलते हैं फुल बूम बाम इधर एंड देखते हैं क्या बनता है आज का। जम्मू में जाके पूरा कोशिश रहेगी कि इसे बढ़िया से बढ़िया काम कराएंगे, और बने रहिए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग भाई बिल्कुल भी मिस नहीं करना, फर्दर वीडियोस में हो सकता हमें बुल्लट पे ही वीडियोस मिले। तो स्टे ट्यून एंड एंजॉय द राइड। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जम्मू एंड निकलते हैं अभी। हम पहले सोच रहे हैं घुमट पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे सुना कि भाई वहीं पे मॉडिफिकेशन सही से होती हैं और अच्छी मॉडिफिकेशन मिलती हैं चीप प्राइस पे। तो हाँ, और क्या चाहिए, अगर वहीं पे सही मिल जाए तो वहीं से हम सारा काम करा लेंगे। और सोच रहा हूँ एक हेलमेट भी ले लूँ। वही भी हमने सेलेक्ट किया है कुछ यहाँ पे, और भैया लगा के दिखा रहे हैं, और ये हमारा सिंगल ऐसा है। सिंगल ये भी है एक, ये नहीं आप वो जैसे तलवार वाले हैं ना वो वाला करो। तो अभी देखते हैं कौन सा पसंद आता है। दो तीन लाइट्स भी देखी हुई हैं, तो आपके साथ पूरा अपडेट किया जाएगा, बने रहे वीडियो के साथ। और ये देखो आ जाओ उतार दे। ये डलवा देते हैं, ट्रिपल कह रहे हैं ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये वाला डालो, ये ना फ्रेश सेट मंगाओ। तो भाई ये वाला हमने डिसाइड किया, तो इनसे रेट की भी बात कर लेते हैं। और ये कैसा लग रहा है कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना। ये हमें तलवार इस पर मिल रही थी इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया। और ये किसका, प्राडो का ही है, प्राडो कंपनी है। तो अभी कुछ लाइट्स भी देखी थी हमने, जैसे ये बॉस वाली है और एक आर करके भी है एंड इसका क्या रेट है भैया? ये वाली सिंगल लाइन भी है। तो लाइट्स भी जरूर देखेंगे यहाँ पे, और जो भी होगा टायर डलवाना है, सिलेंसर डलवाना है, बहुत सारी चीज़ें डलवानी है, तो सारी चीज़ें बताते रहेंगे। तो भाई लास्टली हमने ये वाला डन किया हुआ, क्योंकि विद उस दूसरे ट्रिपल वाले में एबीएस नहीं था, ये सिस्टम हमारा इसमें मिल चुका है। और ये दोनों ऐसे था, तो ये वाला टायर लगे हैं। तो जैसे ये वाला लगेगा फिर देखते हैं कैसी लुक लगती है, लुक बहुत ही खतरनाक होने वाली है, ऐसे पहले ही लग रहा है। तो देखते हैं इंस्टॉल करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो एक एक करके सारी अपडेट की जाएगी और लास्ट में सिनेमैटिक शॉट्स भी। तो ये अपना एक टायर अपना हो गया तैयार, देख सकते हैं भाई क्या लुक रहा है। अब जहाँ पे लगेगा ना नेक्स्ट लेवल लगेगा भाई, अलग ही लेवल का है। दूर से लगेगा यार अगर बुलेट आ रहा है तो। अभी सिलेंसर भी हमने तैयार किया हुआ, तो सिलेंसर भी देखेंगे कौन सा लगवाना है। फिलहाल के लिए टायर से ही एक लगेगा, फ्रंट है ना, फिर बैक में भी लगेगा, उसके बाद देखते हैं फिर लुक कैसी लगती है। My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst. ये आ गया हमारा दूसरा टायर भाई, लुक देखो यार, लुक देखो भाई टायर की। ये हमने मोटा टायर करवाया है इसका, ये हमारा 120 है शायद, नहीं 110 है, वो से पतला था, और अब इसको लगेगा यार ये टायर है।
बुलेट का टायर है, तो इसको हमने चेंज कराया है। इसके अलॉय दोनों लगा दिए हैं, फ्रंट लग चुका है, बैक लगा रहे हैं। तो अभी देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसे निकल के आती है। बहुत ही तगड़ी लुक होने वाली है। वीडियो को साथ लास्ट तक जुड़ते रहे, और अभी तक आपने लाइक और कमेंट नहीं किया है भाई कर दो यार। एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, जो लाल कलर का बटन है दबाओ, और वीडियो के साथ बने रहना। If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. स्टार्टिंग में निकल जाती है तो भाई ये अपना बॉस वाली, और बॉस का एक ही कलर है, रेड येलो पूरी जो है ना। और ये तो अपने हाई व्यू लो ठीक। तो भाई एक ये बॉस वाली भी थी, पर हमने पसंद की हुई है स्कल वाली। भाई लगना चाहिए बाइक जो है वो खतरनाक। तो हमारी ये डिसाइड हुई है ये वाली लाइट, एंड इसी को हम इंस्टॉल करवाएंगे, और फॉग लैंप्स वगैरह का भी देखते हैं। और फिलहाल तो ये देख इसको डलवाते हैं। तो ये भी लाइट का काम हमारा शुरू हो गया, देख सकते हैं ये लाइट इधर हमारी लगेगी डेविल वाली लाइट, और यार क्या लुक लगेगी। और भैया ये भी चेंज करने हैं। तो ये एल ई डी में बल्ब देख रहे हैं हम, और इसमें मल्टी कलर है, मल्टी नहीं है, वाइट स्टील कलर है, ब्लू ब्लू चेक करना। They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out। और ये चार पीस लिए हुए हमने, और देखते हैं इसको इंस्टॉल करके तब पता लगेगा। तो भाई अभी थोड़ा लंच कर लेते हैं, यहाँ परांठे और दही पराठा मंगाया है हमने, गोभी और आलू का। तो अब इसको टेस्ट करते हैं और खा के बताते हैं। भाई रोटी खा के आ गए हम, और ऑनेस्ट रिव्यू दूँ भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ऐसे लग रहा था बस ज़बरदस्ती खा रहे, इतने मोटे मोटे परांठे कर दिए हुए स्टफिंग के नाम पे, इन्होंने ऐसे गिज्जा आटा खिला दिया है। तो अभी हम पहुँच गए वापस, सही बात आ रहा हूँ, अभी वापस पहुँच गए, और हमारी बुलेट हो गई है भाई ऑलमोस्ट तैयार। भाई कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी और मॉडिफिकेशन, जैसे इसके इंडिकेटर चेंज कराए हमने, तो ये भी फ्लैशिंग वाला इंडिकेटर है दोनों साइड, और इस पर हम लगाएंगे कवर, एंड ये भी चेंज कराएंगे। और फ्रंट का ऑलरेडी हो गया, और इंडिकेटर का काम चल रहा है, इंडिकेटर का काम करेंगे। इसको फ्लैश, इसको भी फ्लैशिंग चलेगी, इसका भी फ्लैश है, इसका फ्लैश, टोटल फ्लैश भाई बनाएंगे, बंदे को लग रहा है दूर से अट्रैक्टिव लगेगी। तो तैयार होती है फिर देखते हैं। तो गाइस अभी हमने ले लिया है हेलमेट, और आपको भी दिखाता हूँ पहली लुक ले हेलमेट की, ये हेलमेट कैसी है, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लग रही है। ये देखो भाई, ये रही अपनी हेलमेट, एंड ये देख सकते हो अभी इसका ये शेर, मैंने इस शेर की लुक की वजह से लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसा लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी हम इसकी करेंगे ओपनिंग, इसका ये जो सामान है ये वाला, ये माउंट, और इस पर शिफ्ट करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कैसी लगती है। तो गाइस ये हो चुकी है हमारी हेलमेट तैयार, आप देख सकते हैं कैसी लग रही है भाई। आई होप आपको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद आई भाई ये हेलमेट, और इसकी लुक भी अलग है भाई, इसके जो टैटू है ना उससे चार चार लग रहे हैं, और शाइनिंग में है। मैट फिनिश में भी मिल रही थी, पर फिर वो ली नहीं मैंने, तो इसमें सारे ऑप्शन है, ये देख सकते हैं हमारी हेलमेट। तो गाइस अभी हम साइलेंसर चेक कर रहे हैं, और एक ये साइलेंसर लगाया हमने, बहुत है, नहीं तो इसकी आवाज़ तो बहुत सही थी, छोटा है यार इसको वही कर दो जो है वही कर दो। तो जो अभी हमने डिसाइड किया है वो वाला लगाते हैं, और उसके बाद में आपको साउंड सुनाते हैं। तो भाई साइलेंसर हमारा हुआ है ये वाला डन, और देख सकते हैं आप पूरी बुलेट वाली लुक का कोई चेंज नहीं है इसमें, बिल्कुल फ्रेश
एंड इसके अंदर लाल कलर भी है, तो और थोड़ा और इसको हम करेंगे स्टार्ट। इसकी हम आवाज़ सुनेंगे। तो भाई ये है, थोड़े बहुत पटाखे बजते हैं इसमें और इसी वजह से हम इसको उधमपुर जाके लगाएंगे, यू नो व्हाट आई मीन। अभी हमने वापस भी जाना है, ऐसे नहीं जाते जाते वो स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम जाएंगे उधमपुर में जाके वापस अपना पुराना सिलेंसर लगाएंगे। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं जम्मू से, एंड रही बात है इसकी बाइक की, तो बाइक कल होगी सही मायने में रिवील। तो आज का ब्लॉग यही था। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और नेक्स्ट बार जल्दी से जल्दी जाते हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में बताएं कि कैसी लग रही है, कैसी लाइट लग रही है। कल इसमें हम फुल एग्जॉस्ट भी डलवा देंगे, और ये क्योंकि जम्मू से निकल जाएंगे हम और फिर एग्जॉस्ट डलवा के इसकी फुल प्रॉपर लुक बनाएंगे, और ये भाई पूरे उधमपुर शहर में आतंक मचाएगी बाइक, समझ रहे हो। तो भाई आप सबका सपोर्ट चाहिए, एक लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए जल्दी से जल्दी। तो अभी आप हम निकल रहे हैं उधमपुर की तरफ वापस, सामान चढ़ाना गाड़ी में, क्योंकि बाइक पर लेना सामान मुश्किल होता है, क्योंकि जो इसमें से एक्सेसरीज निकली है वो हमने वापस डलवा ली है, एंड जो सिलेंसर है सिलेंसर भी साथ में है तो वो कल डलेगा। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय डुग्गर।